हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल डीएस क्रिएटिविटी स्टार। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये ब्यूटीफुल सा झूला बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही ईजी है। इसे मैंने कार्डबोर्ड और न्यूज़पेपर की हेल्प से बनाया हुआ है और जो डेकोरेट किया हुआ है वो आप किसी भी चीज़ से आप डेकोरेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने झूले में डेकोरेट किया हो आप उसी चीज़ से डेकोरेट करें। तो फ्रेंड्स, झूला बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप वीडियोस को जल्दी से देख पाएं। और फ्रेंड्स, इस झूले पर आप दो लड्डू गोपाल जी को बिठा करके आराम से झूला सकते हैं। ज़्यादा बड़े नहीं, 3 या 4 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी को, 2 लड्डू गोपाल आप इस पर पालने पर बिठा करके आराम से झूला पाएंगे। तो आइए अब देखते हैं हम इस झूले को कैसे बनाएं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कार्डबोर्ड कट किए हुए हैं, ये मैंने दो दो पीस करके कट किए हुए हैं क्योंकि ये काफी पतले हैं कार्डबोर्ड, बहुत ज्यादा हार्ड वाले मुझे नहीं मिले हैं तो इस वजह से मैंने ये दो कट कर लिए हैं। तो हम ये दो दो करके यूज करेंगे। ये इससे हम पालना बनाएंगे और इससे हम, इसमें भी मैंने ये छोटे छोटे पीस कट कर दिए इस साइड में, ये हम बैक पे कर देंगे और जो फ्रंट पे आएगा वो हम इधर कर लेंगे। इधर मैंने पूरा एक लगाया हुआ है। तो ये इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये डबल है और इसका मेजरमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने 16 इंच लंबाई ली हुई है इसकी और चौड़ाई ली हुई है 9 इंच। और जो इस पालना बनाने के लिए लेंगे, ये हमारा बेस है और ये पालना बनाने के लिए है। तो पालना बनाने के लिए मैंने ये देखिए 11.5 है और ये 5 है। तो अगर आप इसे छोटा या बड़ा कुछ भी बना रहे हैं तो आपको बेस, आपका जो बेस जो है जितना भी बड़ा है तो पालना हमारा उससे छोटा आएगा। ये देखिए, चारों साइड से हमने बराबर जगह इसमें छोड़ी हुई है। ये हम लगभग 2 या 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं। तो ये सिर्फ एक ही लड्डू गोपाल के लिए नहीं, ये इसमें हम 2 लड्डू गोपाल को आराम से, 2 या 3 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी को आराम से बिठा के झुला सकते हैं। उनकी ड्रेस भी आ जाएगी अच्छे से इस झूले में। अगर आप बड़े साइज 5 नंबर या 6 नंबर के लिए बना रहे हैं तो आप एक ही लड्डू गोपाल जी को इस पे बिठा पाएंगे अच्छे से। तो ये मैं 2 लड्डू गोपाल के लिए बना रही हूँ। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसे हम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा ऐसा ही रहेगा बेस और इस पे हम ड्रॉ करेंगे। ये मैंने दोनों पेस्ट कर लिए, ये अभी पेस्ट नहीं किए हैं क्योंकि इसे अभी हमें कट करना है तो इस वजह से मैंने इसे पेस्ट नहीं किया हुआ है। तो ड्रॉ हम किस तरह से करेंगे, थोड़ा सा गोल हम शेप इधर से दे देंगे और थोड़ी सी गोलाई हम इधर से दे देंगे। उसी तरह से हम थोड़ी गोलाई इधर देंगे और थोड़ी सी इधर और इसे कर लेंगे कट। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसे कट कर लिया दोनों ही कार्डबोर्ड को। अब हम इसे एक के ऊपर एक रख करके पेस्ट कर देंगे और उसके बाद में इस पे आप चार्ट पेपर या फिर आप वेलवेट का फैब्रिक यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये शायद वीडियो में आपको रेड कलर का दिख रहा होगा पर ये रेड नहीं है, मर्जेंटा पिंक है। ये देखिए, आप नीचे के जो इसका बैक है फैब्रिक का उससे आप देख सकते हैं। तो ये सनील का फैब्रिक है, ये वेलवेट के जैसा ही आता है तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। ये सनील का फैब्रिक या फिर आप चार्ट पेपर भी यूज कर सकते हैं। तो इस पे मैं जो है ये वाला फैब्रिक इस तरह से पेस्ट कर लूंगी फ्रंट पे और उसके बाद में यहां से ग्लू लगा करके इधर सारे किनारे लॉक करने के बाद में इसके ऊपर से मैं चार्ट पेपर पेस्ट कर दूंगी। तो ये देखिए, ये मेरे पास इसी कलर का चार्ट पेपर रखा हुआ, तो मैं इसी से जैसे कि ये इस तरह से हमारा ये लॉक हो जाएगा यहाँ से और इस तरह से मैं इसे चार्ट पेपर की हेल्प से लॉक कर दूंगी। आप कोई भी कलर का चार्ट पेपर यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं क्योंकि ये जो है नीचे इस तरह से नीचे आ जाएगा बैक होके तो ये दिखेगा नहीं। आप कोई भी चार्ट पेपर यूज कर सकते हैं। तो इस पे नीचे से चार्ट पेपर और फ्रंट साइड से ये वाला वेलवेट का सनील का फैब्रिक, मेरे मुंह से वेलवेट ही निकल जाता है क्योंकि मैं पहले वेलवेट ही यूज करती थी ज्यादातर, तो इस वजह से निकल जाता है सॉरी। और इस पे मैं येलो कलर का सनील का फैब्रिक पेस्ट करूंगी और इस पे ये मर्जेंटा पिंक। तो दोनों पे फैब्रिक पेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि आगे हमें क्या करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे ये कवर कर लिया है, बैक साइड से मैंने ये चार्ट पेपर से कवर किया हुआ है और इसे मैंने पूरा ही वेलवेट से कवर किया हुआ, नीचे बैक साइड से भी
और इधर से भी। इसमें देखिए हल्की हल्की सी चुन्नट पड़ जाएंगी क्योंकि इधर में गोलाई दी हुई है, ये देखिए। तो ये हमारा इतना बन गया है बेस और पालना। और अब हम बनाएंगे इसके लिए स्टिक जो है डंडे बनाएंगे पेपर से, जो हम यहाँ पे लगाएंगे और जिससे पालना हम टांगेंगे। तो इस तरह के हम न्यूज़पेपर की हेल्प से बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक ये देखिए आधा आधे का आधा न्यूज़पेपर ये मैंने कट किया हुआ है और दो ये पूरे पूरे कट किए हुए हैं, ये देखिए ये इस तरह से दो कट किए हुए हैं। तो पहले हम इससे बना लेंगे। तो यहाँ पे हम कोई भी पतली चीज ले लेंगे, ये मैंने टूथपिक ले ली है तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे इसे रोल करेंगे, इसको निकाल लेंगे बाहर। और ये हल्का सा राउंड हो गया है और इस तरह से हम इसे रोल कर लेंगे, ये देखिए ये रोल होने लगा। तो पूरा हम रोल कर लेंगे इस तरह से, रोल करते हुए लास्ट में ग्लू लगा करके इसे पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए ये लास्ट तक हमने बना लिया है। तो कुछ में हम क्या करते हैं कि इसी तरह से यहाँ पे लगा करके और रोल कर लेते हैं, तो उसे बीच में तो हमारा टाइट हो जाता है लेकिन किनारे किनारे हमारा इस तरह से दबता रहता है, लूज रहता है। तो अगर आप इस तरह से जैसे मैं बना रही हूँ उस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपका बहुत ही अच्छे से स्टिक बनेगा, आपका किनारे पे भी टाइट रहेगा। तो इस तरह से इसे बना लिया हमने। और अब एक न्यूज़पेपर हम लेंगे और इस न्यूज़पेपर में हम किनारे पे ग्लू लगाएंगे, ग्लू लगा करके इसे बीचों बीच में रख करके हम इसे यहाँ पे डंडी को इस स्टिक को पेस्ट कर देंगे। इसे सूख जाने देते हैं। तो ये हल्का हल्का सूख गया है और अब हम क्या करेंगे इसे टाइटली रोल करेंगे, बिल्कुल भी लूज नहीं करना है हमें, सारी तरफ से हाथ लगा करके हम किनारे पे और इस तरह से हम इसे टाइटली रोल करेंगे, इस तरह से बेलन की तरह हम इसे करते जाएंगे, ये रोल होता चला जाएगा इस तरह से। और अब हम ये नीचे दूसरा वाला न्यूज़पेपर जो है यहाँ पे लगा लेंगे और इसे भी रोल कर लेंगे। अगर आप और मोटा बनाना चाहते हैं तो आप इसके बाद में एक न्यूज़पेपर और लगा सकते हैं। तो इसे रोल कर लेते हैं पूरा, लास्ट में जब इतना बचेगा तो यहाँ पर ग्लू लगा करके हम इस तरह से इसे पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे रोल बना लिया है। अब हम इसे कर देंगे किनारे से कटिंग। तो कटिंग करने से पहले आपको मेजर कर लेना होगा कि आपको कितनी लंबाई रखनी है। जैसे कि मैंने ये देखिए और स्टिक बना रखी है, चार स्टिक, एक इसमें से बड़ी है थोड़ी सी क्योंकि उसे हम ऊपर लगाएंगे तो उसे हम अलग हटा देते हैं, चार हमें एक साइज की काटनी है। तो इसे मेजर कर लेंगे जितनी आपने और भी बनाई हुई है, तो इतना इतना कट करके अलग निकाल देंगे। कट करने के बाद में हम इनमें जो है फैब्रिक लगा लेंगे, ये वाला, ये देखिए ये बड़ा, ये वाला फैब्रिक बड़े वाले रोल का है। तो इस तरह से पहले पेस्ट कर लेंगे इतना हिस्सा और उसके बाद में यहाँ पे ग्लू लगा करके इसे इस तरह से पेस्ट कर लेंगे पूरा ही। सभी स्टिक को हम इसी तरह से फैब्रिक से पेस्ट कर लेते हैं। तो फैब्रिक पेस्ट करने के बाद में ये देखिए मैंने एक ये लेस ली हुई है और एक ये ली हुई है, आप कोई भी लेस यूज कर सकते हैं। इसे हम इस पे लगाएंगे इस तरह से थोड़ा तिरछा करते हुए। तो पहले हम यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा ग्लू लगा लेते हैं, और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सूख जाने देंगे पहले हम। और इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पे, जैसे कि अब हम यहाँ पे ग्लू लगाएंगे इस तरह से पेस्ट कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से पूरा ही हम नीचे तक से हम पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमने जो है पेस्ट कर ली। अब इसके बाद में ये, इसे हम समोसे वाली लेस भी बोलते हैं, इसमें जो ये कोने निकले हुए इसे हम ऊपर की साइड में रखेंगे इस तरह से, इसी के ऊपर ग्लू लगाते हुए पूरे में ही नीचे तक हम इसे पेस्ट कर देंगे।
तो ये देखिए हमने पेस्ट कर लिया। इसी तरह से हमने चार स्टिक में जो है पेस्ट किया हुआ है। एक जो हम ऊपर लगाएंगे, जो हमने बड़ी वाली बनाई हुई थी उसमें मैंने अभी ये लेस नहीं लगाई हुई, इसमें हम लेस नहीं यूज करेंगे। और अब इस तरह की ये छल्ले जैसे बनाएंगे इन्हें फंसाने के लिए, क्योंकि इस तरह से भी आप ग्लू की हेल्प से बेस पे चिपका सकते हैं, पर उससे क्या होगा कुछ टाइम बाद ये निकल सकता है, तो अगर आप इसमें फंसा के लगाएंगे तो ये नहीं निकलेगा जल्दी। तो इन्हें बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने ये देखिए ये पिंक कलर का लिया हुआ है, सेम कलर मुझे नहीं मिला इस वजह से मैंने ये थोड़ा सा डार्क है तो मैंने ले लिया है। इसे हम इस तरह से रोल करेंगे जैसे हमने इन पेपर को रोल किया हुआ था। इन्हें मैं बहुत टाइट जो है रोल नहीं करना, हल्का सा लूज ही रोल करना है ताकि इसे हम अगर दबाएं तो ये दब जाए इस तरह से। और इस तरह से हम इसे कर लेंगे पेस्ट। बहुत ही गर्म है तो ये पेस्ट हो गया। अब जो है हम एक स्टिक ले लेंगे और इसका साइज इस तरह से देख लेंगे। इसी के ऊपर ही हमें जो है इसे रोल करना है, बहुत ही टाइट पकड़ के नहीं करना है रोल। यहाँ पे ग्लू लगा देंगे पूरे में और इस तरह से इस तरह से एक मिनट तक इसे हम पकड़े रहेंगे ताकि ये सूख जाए, नहीं तो ये खुल जाएगा जब हम इसे निकालेंगे इससे। तो ये हल्का हल्का सूख गया, हम इसे आराम से जो है निकाल लेंगे बाहर। ये देखिए अब इन सभी को हम अपने बेस पे जो है पेस्ट करेंगे। तो ये जो बड़ा वाला जो हमारा स्टिक है इसी के सामने हम इस तरह से इन्हें पेस्ट करेंगे। थोड़ा सा गैप हम इधर भी छोड़ देंगे और थोड़ा सा इधर भी, इस तरह से इन्हीं के सामने ही हमें इन्हें पेस्ट करना है। ये देखिए तो ग्लू लगा लेते हैं। और इस तरह से हम इसे पेस्ट कर देंगे। इसी तरह से सभी को हम पेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सारे सर्कल जो है पेस्ट कर दिए। अब हम स्टिक को जो है इस पे पेस्ट करेंगे। तो देखिए किस तरह से करना है। पहले तो हम इन जो हमने गोले बनाए हुए इनके अंदर हम ग्लू भर लेते हैं। तो ये देखिए ये मैंने ग्लू जो है अंदर भर दिया। हमें ये याद रखना हो कि जो हमारे समोसे हैं ये ऊपर की साइड में रहें। अगर आप नीचे की साइड में रख रहे हैं इन सभी को तो सारे ही जो है नीचे की साइड में ही आए, ये ना हो कि जैसे कि ये इसमें ऊपर है इसमें हम नीचे कर दें, तो इस तरह से नहीं। अगर आप नीचे कर रहे हैं तो सारे स्टिक में नीचे ही आएगा और अगर आप ऊपर रख रहे हैं तो सभी में ऊपर जाएगा। अब हम दूसरे वाले में ग्लू भर देते हैं और इसे हम ये देखिए इस तरह से। अब ऊपर ये वाला हिस्सा यहाँ पे हम इस तरह से पेस्ट कर देंगे। आपको शायद वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये इस तरह से यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे ये दोनों, ये इस तरह से यहाँ पे पेस्ट होंगे। यहाँ पे हम ग्लू लगाएंगे और इन दोनों को पेस्ट कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी दोनों स्टिक को लगा करके पेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दोनों स्टिक को यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है, ये देखिए। और अब जो है हम इस वाली स्टिक को यहाँ पे इस तरह से पेस्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम ग्लू लगाएंगे थोड़ा सा इस तरह से, और इस स्टिक को यहाँ पे इस तरह से हम पेस्ट कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे ये वाली स्टिक पेस्ट कर ली है और यहाँ से मैंने किनारे से थोड़ा थोड़ा ग्लू और लगा दिया है ताकि ये ज्यादा हिले ना और जल्दी से निकले ना। अब हम इसमें लगाएंगे डोरी। तो ये मैंने गोल्डन कलर में डोरी ली हुई है, यहाँ से हम डोरी को डालेंगे और अपना पालना ले लेंगे। तो जितना ऊंचा हमें पालना रखना है तो ये देखिए, जैसे कि हमें इतना ऊंचा पालना रखना है तो हम यहां से इस डोरी को पकड़ेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख देंगे गांठ लगाने के लिए
और इस तरह से पकड़ करके जितना ऊंचा रखना है इतना नीचे रखना है, तो हम इतने नीचे पे पकड़ करके उतनी डोरी हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने दो डोरियां कट कर दी हैं, एक हम इस साइड लगाएंगे एक इस साइड लगाएंगे। तो गांठ हम पहले इसके अंदर डाल देंगे डोरी को, उसके बाद में यहां पे हम लगा लेंगे एक गांठ। इस तरह से। और अब ये देखिए इसे हम इस तरह से नीचे करेंगे और पालने को इसके अंदर डाल करके इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ये आएगा। और नॉट को हम इस साइड में पीछे साइड में बीचों बीच में रखेंगे और ग्लू लगा करके इस तरह से डोरी को पेस्ट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे ग्लू लगा लेते हैं बैक साइड पे। और अब हम इसे यहाँ पे डोरी में पेस्ट कर देंगे। नॉट को हम बीचों बीच में रखेंगे और इस तरह से चिपका देंगे। इसके ऊपर डोरी के भी ऊपर भी थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा देंगे और उसके बाद में इधर वाली डोरी भी हम इसी तरह से पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे दोनों तरफ की डोरियों को पेस्ट कर लिया है। नॉट को हमने बीच में रखा है और अब ये इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए इसे हम बराबर करेंगे, दोनों ही तरफ का बराबर करने के बाद में यहाँ ऊपर यहाँ पे डोरी के नीचे हम थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और डोरी उसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर देंगे ताकि ये इधर इधर इस तरह से टेढ़ा ना हो, क्योंकि अगर हम ऊपर ग्लू नहीं लगाएंगे तो ये इस तरह से टेढ़ा हो जाएगा, एक तरफ को झुक जाएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे ऊपर इस तरह से थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और डोरी को बिल्कुल बीचों बीच में से हम पेस्ट करेंगे। पालना हमें बीचों बीच में रखना है, बिल्कुल इधर उधर बिल्कुल भी नहीं झुकना चाहिए। तो दोनों तरफ इस तरह से पेस्ट करने के बाद में ये देखिए मैंने ये लेस ली हुई है, इसे हम पालने के चारों साइड में इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। तो इतना कर लेते हैं। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे लेस लगा ली है और ऊपर से ग्लू भी लगा दिया दोनों साइड में। और ऊपर जो हमने स्टिक सिंपल रखी हुई थी उसमें मैंने यही वाली लेस जो है ये देखिए ये पेस्ट की हुई है पालने में। ये वाली लेस जो पालने में लगाई हुई थी वही इस पे भी लगाई हुई है। अब हम इसमें झुलाने के लिए जो है डोरी लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने ये देखिए यही डोरी ली हुई गोल्डन और एक ये आलपिन लिया हुआ है। तो इसमें मैंने डोरी में यहाँ पे गांठ लगा ली है, इस गांठ के अंदर से हम इस आलपिन को डालेंगे और इस आलपिन को हम यहाँ पर बीचों बीच में लगा देंगे। और इसके बाद में हम यहाँ पे एक पॉम्पॉम मैंने लिया हुआ है, इस पॉम्पॉम में ग्लू लगा करके यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देंगे इस तरह से, ताकि ये डोरी निकले ना। इस तरह से पेस्ट कर देंगे। तो ये हमने जो है पेस्ट कर दिया। और अब जो है कुछ पॉम्पॉम ये है, ये देखिए यहाँ से थोड़ी थोड़ी दूर पे हम यहाँ पालने में लगा लेंगे और उसके बाद में इधर चारों साइड पे बेस पे लगा लेंगे और इधर और एक इस साइड कोने पे यहाँ पे एक या दो दो पॉम्पॉम लगा लेंगे इसे डेकोरेट करने के लिए थोड़ा सा और। तो इतना कर लेते हैं। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने झूले में पॉम्पॉम लगा लिए हैं, ये मैंने डोरी में भी एक पॉम्पॉम लगाया हुआ है पालने में और ऊपर की डोरी में भी मैंने ये देखिए पॉम्पॉम लगा लिए हैं। सो फ्रेंड्स, झूला बन के रेडी है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको झूला कैसा लगा। एंड मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।